तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं जो कि आज यहां पर आए हुए हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी और संपूर्ण भागीदार दोस्तों यात्रा पर निकले हुए हैं यहां पे। और इसी बीच मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि चिरई गाँव में आप देख पा रहे होंगे जो कि सामने बुद्ध भगवान का मूर्ति है और यहीं पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी धूमधाम से इनका स्वागत हो रहा है जो कि बाजा के साथ हो रहा है। अभी माला चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सामने जो दिख रहे हैं दोस्तों ना यही हैं और आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा कि यहाँ पे भीड़ आपको दिख रहा होगा। ये देखिएगा जो कि दोस्तों चिरई गाँव में काफ़ी यहाँ पे मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। और इसी बीच मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक शनि देव का जो कि मूर्ति भी फिलहाल में ही लगाए गए थे यहाँ पे। और मूर्ति को स्थापित होने के कारण जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका इंतज़ार हो रहा था बहुत दिनों से और इनका झंडा जो है काफ़ी दिन से यहाँ पे लहर रहा था जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे जो कि दोनों तरफ बॉडीगार्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि माला पहनाया जा रहा है और माला पहनाने के साथ साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ समय जो कि फ़ोटो भी खिंचाया जा रहा है। ये देखिएगा बाबा अम्बेडकर जी का जो कि फ़ोटो है, ठीक है, साथ में ही खिंचाए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और सामने उनका जो दिख रहा है ना दोस्तों वह उनका मंच है जो कि यात्रा पर निकले हुए हैं तो अपना खुद से खुद कर ही चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा गरीबों के बारे में बताया, काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया। सुनिएगा भाषण। अध्यक्ष पंकज मन विश्वकर्मा जी, हमारे प्रदेश महासचिव रामधुनि निषाद जी, प्रदेश महासचिव श्री रामकृष्ण प्रजापति जी, प्रदेश महासचिव रमेश यादव जी, हमारी प्रदेश महासचिव रानी सिंह मौर्य जी और बहुत सारे साथी हमारे साथ इस यात्रा में हैं। इस यात्रा का जो मकसद है उद्देश्य है कि हमारे देश जातियों का देश है,